ये बड़ी अहम आयत भी है कुरान मजीद की और बड़ा नाजुक मकाम भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बुलंद मकाम है हमारे दिलों में, अल्लाह उसे और भी बुलंद करे, लेकिन ये एक मकाम ऐसा है कुरान मजीद का कि जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर पर एक किस्म का ज़ाहरी तरह का इताब हुआ है। हुआ यह कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के ऊपर तलवार का वार पड़ा, इब्न कमिया था जिसके तलवार का वार पड़ा है, तो जो खोद पहना हुआ था आपने उसकी दो कड़ियां आपकी इस रुखसारे मुबारक की हड्डी के अंदर धंस गई। जाहिर बात है इसी के नीचे जो है वह दांत हैं, ऊपर का जो जबड़ा है उसके दांत, तो हुजूर के दो दंदाने मुबारक भी शहीद हो गए। अच्छा, वो कड़ियां जो घुस गई थी इस अपने रुखसारे मुबारक की हड्डियों के अंदर, उसे फिर एक साहब ने निकालने की कोशिश की है दांतों से पकड़कर, तो उनके दांत निकल गए और वो कड़ियां नहीं निकली। फिर जैसे भी हुआ, जो भी जतन किए कड़ियां निकाली हैं, तो खून का फव्वारा छूटा और इतना खून आपका चला गया कि फिर आप बेहोश हो गए। उससे पहले, बेहोश होने से पहले आपकी ज़बान मुबारक से एक कलमा निकल गया, कैफा यहदी अल्लाह कौमन खज़बू वजह नबीहिम बिद्दम। अल्लाह उस कौम को कैसे हिदायत देगा जिसने अपने नबी के चेहरों को खून से रंग दिया। अब ये ज़रा हुजूर की शान के मुताबिक भी नहीं थी बात, और फिर ये कि फैसला तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह किसको हिदायत दे दे। लिहाजा यहाँ वो अल्फाज लैसा लका बिन अल-अम्र शै, ए नबी आपके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, किसी को हिदायत देना न देना अल्लाह के हाथ में। जैसे कि फरमाया गया है, ए नबी इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, आपके हाथ में इख्तियार नहीं है कि जिसको चाहें आप हिदायत पर ले आए, ये अल्लाह का इख्तियार है जिसको चाहे हिदायत देता है। जिसके सबसे बड़ी मिसाल अबू तालिब, हुजूर के मोहसिन हैं, परवरिश करने में भी हाथ है, फिर यह कि पूरी सपोर्ट खानदान बनी हाशिम की उनके जरिए से मिली हुई, लेकिन ईमान नहीं लाए। किस कदर ख्वाहिश थी हुजूर की कि बगैर ईमान के, बगैर कलमा शहादत के ये दुनिया से रुखसत न हो। मरते दम भी कहा है, चाचा जान मेरे कान में ही कलमा शहादत पढ़ दीजिए, मैं अल्लाह के यहाँ गवाही दे दूंगा कि इन्होंने कलमा शहादत अदा किया था। लेकिन उस वक्त वो अरब के अंदर जो एक खास अपनी वो एक इज्जत नफ्स होती थी, अबू तालिब के ऊपर उसका गलबा हो गया कि भतीजे मैं जानता हूँ तेरा दीन सबसे अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अरब की औरतें फिर ताना दें कि अबू तालिब मौत से डर गया, यानी मौत के वक्त आकर उसने फिर ये कलमा पढ़ा है तो मौत से डर कर किया है, ये ताना नहीं मैं सुनना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद अरब की औरतें मुझ पर ये ताना जरी करें। तो हुजूर की ख्वाहिश पर अगर होता मामला किसी की हिदायत का, तो अबू तालिब से बढ़कर किसके लिए ख्वाहिश हो सकती थी। इसी तरीके से यहाँ अब देखिए, वही खालिद इब्न वलीद जो असल सबब बना है, जिसने के घेरा दिया है पूरे जबल उहद का, और ऐन उस जगह से जहां हुजूर ने अंदाजा कर लिया था कि ये हमारा वीक पॉइंट है, और 50 तीर अंदाज जो है वहां पर खड़े कर दिए थे, ऐन उस जगह पर उनकी निगाह पड़ी कि वो दरा खाली है, 10 आदमी रह गए कुल, और उन्होंने पूरा चक्कर लगाकर हमला किया है और फतह जो है वो शिकस्त में बदल गई। लेकिन वही खालिद इब्ने वलीद हैं जो ईमान लाए और जिनको अल्लाह ने हुजूर की ज़बान मुबारक से खालिदुन सैफुन मिन सुयूफिल्लाह ये खिताब दिलवाया कि खालिद तो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। ये है वो बात कि लैसा लका मिन अल-अम्र शैयुन, ऐ नबी आपके इख्तियार में नहीं है, ये इख्तियार हमारा है, जिसे चाहे हिदायत दे। अबू सुफियान भी बाद में ईमान लाए, खालिद इब्न वलीद जो कि फिर सैफुल्लाह सैफु मिन सुयूफिल्लाह औ यतूब अलैहिम, ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उन पर तवज्जो फरमाए, इनायत करे, इन्हें ईमान की तौफीक दे दे। तौबा के माने होता है रुजू करना, पलटना। अभी ये भी हमारी तरफ से रूह उन्होंने मोड़ा हुआ, हमने भी मोड़ा हुआ, हो सकता है हम उनकी तरफ अपनी तवज्जो जो है इनायत और रहमत और शफकत के साथ फेरे, जिसके नतीजे में वो ईमान ले आए। और यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम, ये भी हो सकता है अल्लाह उन्हें अज़ाब दे, ये इख्तियार उसका है। तो
तौबा की तौफीक दे देने का इख्तियार भी उसका है और अजाब देने का भी है। फ़ैन्नहुम ज़ालिमून, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो ज़ालिम है, उन्होंने जुल्म किया है, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया है, मक्के में पूरे 12 बरस उन्होंने अब जो हमले किए हैं वो ज़ालिम है, फिर मुशरिक है, काफिर है, ये अपनी जगह है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे हिदायत दे दे, तो इस हवाले से लैसा लका मिनल अम्र शय, नहीं है आपके हाथ में कोई शय इख्तियार में से, और यतूबा अलैहिम और युआज़िबहुम, अल्लाह चाहे तो उन पर इनायत फरमाए और उनको तौबा की तौफीक दे, अल्लाह चाहे तो अज़ाब दे। फ़ैन्नहुम ज़ालिमून, इसलिए कि हकीकतन वो ज़ालिम तो है। वलिल्लाहि मा फिस्समावात वा मा फिल अर्द, ये आयत आमतौर पर आती है किसी एक ख़ास बहस के इख्तिताम पर, ये कुरान मजीद का आम उसलूब है, बहुत से मकामात पर आप देखेंगे। अब ये गोया कि इन आयात में, इन 8 आयात के अंदर जो है एक तरह से एक पूरा जो है ग़ज़वा उहद का एक स्केच हमें दे दिया गया और उसको यहाँ ख़त्म किया जा रहा है साथ, फिर उसके एक एक मामले के ऊपर लेकर तफसील से भी गुफ्तगुएँ होनी है। वो तो 60 आयात, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, 60 आयात पर मुश्तमिल मामला है, कोई छोटी सी बात नहीं है। लिल्लाहि मा फिस्समावात है मा फिल अर्द, अल्लाह ही के हाथ में है और अल्लाह ही का इख्तियार है और अल्लाह ही की मिल्कियत है, हर वो शय जो आसमानों में है और हर वो शय जो ज़मीन में है। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसको चाहे बख्श दे। तुम नहीं ऑब्जेक्ट कर सकते अगर अल्लाह ताला क़यामत के दिन अबू जहल को बख्श दे, हु आर यू, उसका इख्तियार है। अल्लाह चाहे तो अपने मुत्तकी तरीन शख्स को जहन्नम में डाल दे, उसका इख्तियार है। लिहाजा ये सारा ये अल्लाह की मशीयत पर है, उसका फैसला है, उसको इख्तियार है मुतलक, उसकी चीज़ है। जैसे आपकी बकरी है, आपने जब चाह ज़िबा की और उसका गोश्त खा लिया, आपका इख्तियार है। यग़फ़िरु लिमन यशा, हाँ उसने बताया है कि उसकी मग़फ़रत के हकदार कौन है और उसके अज़ाब के हकदार कौन है। आम कानून तो वही है, लेकिन उस कानून से अल्लाह ताला के हाथ बंद नहीं जाते। जैसे जो भी साइंटिफिक लॉस अल्लाह ने मुकर्रर किए इस कायनात को चलाने के लिए, जो फिज़िकल लॉस है, बनाए हुए अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह का हाथ बंद नहीं गया। आग जलाती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जब चाह उसने नहीं जलाया, हज़रत इब्राहिम को नहीं जलाया। वाटर कीप्स इट्स लेवल, ये कानून है जो अल्लाह ने बना दिया है, लेकिन हज़रत मूसा की असा की ज़र्ब से समंदर फट गया। अल्लाह ताला का इख्तियार मुतलक वो कानून के ताबे नहीं है, कानून फिजिकल लॉज हो या कोई और लॉज हो, वो अल्लाह की मशीयत के ताबे है। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है।